टेलीविजन परफॉर्मेंसेज होती हैं या अवार्ड फंक्शंस होते हैं, तो जब आपके अपने गाने होते हैं तो पीपल वांट टू सी, एंड स्पेशली इफ योर सॉन्ग इज डन वेल देन दे वांट टू सी यू परफॉर्म, एंड लाइक यू सेड दैट्स अ कनेक्ट. अगर आप दुबई जाएं, या वी जस्ट डिड अ शो इन अमेरिका ऑल्सो, सो या आई थिंक पीपल वांट टू सी यू डू दैट. ओके सॉरी, आई विल जस्ट इंटरप्ट. Image keeps changing of an actor, you know, you do different things, so that's what we do, we are actors, we do different things. Okay, coming in Mumbai this time? I'm yet to be told. Okay, I have no idea then. Sorry, I take my words back. Because they still have not decided who's performing. Gave it out to me, so okay, no, so it's not Mumbai, it's somewhere, it might be somewhere else. He just told me. I was just assuming that it's Mumbai. Come on. Richa, this way. Are you part? And you will you be sharing screen space with Aishwarya? I've not signed it yet. You have not signed it yet. Yeah. Okay. Next question. Yeah. I've done many dance numbers. I did Tar Bijli Se Patle Hamare Piya. Yeah. It was a nice dance number. I did O Woman, yeah. No. I perform on the stage very well. I have a background in dance. I'm doing a film called Cabaret. And I'll have lots to do on New Year's Eve. Yeah, are you coming? Okay, sorry to interrupt. Okay. इस तरह के न्यू ईयर टाइप के उसमें तो आई थिंक ज़्यादातर लोग पार्टी सॉन्ग्स पसंद करते हैं, तो उसी तरह की परफॉर्मेंस होती है पार्टी सॉन्ग्स. और सेक्सी पेपी और फुट टैपिंग, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री आई गेस. या There says the dancer. Yes. No, sir. Cabaret ke baare mein, my lips are sealed. The producer will decide where and when to promote it. आपको क्या अच्छा लगता है? Correct. हाँ. Exactly. वो ही पसंद आता है. Exactly. Very well put. I can see that our photographers really want to capture this wonderful one-on-one. Just a little later, after the foot of Mr. Rajiv Reddy along with Chitrangda, Richa, and Daisy. So I'm going to give you a few minutes to do that, and then we will make arrangements for you to put your mics forward. And yes, of course, there. तो हमेशा का मेरा जो न्यू ईयर्स रहा है वो काम करते हुए ही रहा है, जो कि अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है. एंड एज अ पर्सन आई एम अ वेरी वर्कोहोलिक पर्सन, सो आई एम हैप्पी.
अच्छा हे स्टोरी की बात करते हैं तो अगर हाउ इज हे स्टोरी रिलेटेड टू कंट्री क्लब ओनली सिंगल हां एक गाना जरीन खान पर फिल्माया गया है और कोई दूसरा गाना है जो आप पर फिल्माया जाएगा अगर आप कुछ हिंट देना चाहे उस गाने के बारे में जी वो गाना आज रिलीज हो रहा है तो आप खुद ही देख लीजिएगा और कोई मेमोरेबल मेमोरी जो आप शेयर करना चाहे पूरा परफॉर्मेंस मेमोरेबल था आई मीन क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे डांसिंग के कीड़े हैं तो मुझे अच्छा लगता है डांस करना और स्टेज पे परफॉर्म करना लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उनका प्यार मिलता है बहुत ज़्यादा उनकी चीखें जब सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी भी बढ़ जाती है इस साल की क्या प्रिपरेशन होने वाली है और कौन से गाने पर परफॉर्म करने वाली है ये एक्चुअली फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो अभी तो इसके बाद तो बात की बात है रितेश लगाओ रितेश चलिए चलिए रितेश सबसे पहले तो आज फर्स्ट टाइम जुड़ी है कंट्री क्लब के साथ क्या कहना चाहेंगे कि नहीं एक्चुअली सेकंड टाइम जुड़ी हूँ एक बार ऐसा अनुभव हो चुका है तो पहले टाइगर कंजर्वेशन पे कुछ बात करने आई थी कुछ दो तीन महीने पहले तो सेकंड टाइम जुड़ी अच्छा न्यू ईयर आने वाला है कोई रिजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती हैं मेरा रेजोल्यूशन हर महीने बदल जाता है इसलिए मैं रेजोल्यूशन नहीं बनाती एक सेकंड भाई साहब आप लोग स्टैम्पीड कर देंगे एक दूसरे में हाँ जी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बार बार बदलते रहते हैं इसलिए मैं उन्हें चेंज करती रहती हूँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अच्छा इंसान रहना और हर साल उसी की कोशिश रहती है अच्छा इस साल के लिए कुछ खास प्रिपरेशन की है क्योंकि नया न्यू ईयर बैच है 25 साल पूरे हो चुके हैं 26वें साल में एंटर कर लिया है तो आपकी तरफ से क्या कुछ प्रिपरेशन होने वाला है नहीं मुझे ये तो मेरा काम है मैं इसको काम की तरह ही लेती हूँ जो बुलाएंगे जो गाना देंगे करने के लिए वो कर लेंगे बशर्ते वो ज़्यादा वल्गर या कुछ ना हो अच्छा इस साल तो आप न्यू ईयर यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं हर साल किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करती हैं हर साल बहुत क्वाइट रहता है न्यू ईयर एक्चुअली क्योंकि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक तो न्यू ईयर दिवाली के बाद आ जाता है तो और अलग अलग कैलेंडर्स होते रहते हैं न्यू ईयर की डेट शिफ्ट होती रहती है तो मुझे लगता है ये बस एक और दिन है लोगों के लिए साल की शुरुआत होती है पर मैं उसे बस एक और दिन की तरह लेती हूँ हाँ दिन खास होता है क्योंकि छुट्टी होती है सब लोग रिलैक्स करते हैं बस अच्छा मैं और चार्ल्स की बात करूँ तो जी सबके बीच में धमाल मचा रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशन है जल्दी रिलीज होने वाली है जी फिल्म परसों रिलीज़ हो रही है मैं और चार्ल्स और जब अभी तक जो फीडबैक हमें मिला है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है बहुत पॉजिटिव है फिल्म का प्रोमो तो हिट हो ही गया था इमीजिएटली बट फिल्म बहुत इंटरनेशनल है उसका कंटेंट बहुत अच्छा है और वही जैसे इस साल हम देखते आए हैं अच्छे कंटेंट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पे भी खिल गई हैं जैसे कि इवन मसान जिससे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो अभी टीम बहुत एक्साइटेड है मेरा साल अच्छा जा रहा है तो आई थिंक ख़त्म भी अच्छे से ही होगा अच्छा न्यू ईयर विश हो जाएगा ऑडियंस के लिए हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी थैंक यू नए साल के कितना परफॉर्म करने जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है इट साउंड्स रियली गुड लेकिन एक एक्टर की एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल जिंदगी भी होती है जहाँ वो खुद अपने फैमिली के साथ या अपने घर के लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है आप परफॉर्म करने जा रहे हैं नए साल पे तो हाउ डू मैनेज ऑल दिस यू नो अपनी जगह है यू एब्सोल्युटली राइट सो फर्स्ट नाइट जो होगी वो वापस मैं अपने घर अपने फैमिली के साथ यू नो बिताऊंगी सो या आई विल गो बैक It looks like it works for me. I don't know. ऐसा कोई प्लान नहीं था ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि हाँ अब आइटम सॉन्ग करेंगे तो आपको लोग यू नो भूलेंगे नहीं या ऐसा कुछ जो सब लोग कहते हैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी आई थिंक मिस्टर बंसाली ने जब कॉल किया उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना है एंड अक्षय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म तो इट जस्ट केम टुगेदर एंड मैंने गाना सुना आई थिंक हनी सिंह जाना सुपर जॉब सो इट वॉज ऑल मतलब somehow came my way sir okay chitra aap dubai mein perform please bataiye aap kahan perform karne wali hain aur kya kya kaun se numbers aise hain jo aapke zehen mein hain koi apne taraf se koi preparation ki hai aapne main
दुबई में परफॉर्म करूँगी फॉर कंट्री क्लब एंड प्रेपरेशन अभी शुरू होंगी एंड जो कोरियोग्राफर्स हैं वो आएंगे एंड नाउ वी विल सिट एंड डिस्कस कि क्या एंट्री है क्या है कैसे है सो आई थिंक आई विल बी परफॉर्मिंग टू एंट्रीज सो यस आई थिंक बहुत मुश्किल है उनको उनके कहीं आस पास भी उनकी ऐसे परफॉर्मेंस करनी है लेकिन नहीं पूरा गाना गया है नाम मैं रेजोल्यूशन आई थिंक हर हफ्ते बनाती हूँ सो दैट विल कैरी ऑन लेकिन डेफिनेटली और काम करना है एंड कुछ चीज़ें हैं जो आई एम ट्राइंग टू पुट टुगेदर अपने लिए एंड लाइक एज इन वर्क एंड फिल्म एंड सिनेमा सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगले साल जो भी प्लान्स बनाए हैं अभी तक दे ऑल गो थ्रू That's like एक डेकेड पुराना क्वेश्चन मेहरू निसा जब बनेगी जैसे बनेगी सुधीर मिश्रा डिसाइड करेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है प्लानिंग करी थी बहुत मेहनत करी थी उसके ऊपर सो मेहरू निसा इज डेफिनेटली वेरी क्लोज टू मी तो अगर होगी कभी तो मैं डेफिनेटली आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट बट ऑफ कोर्स द डायरेक्टर डिसाइड अफसोस इस बात का कि ना सब चीजें होने के बावजूद बच्चन साहब का भी नाम आने के बावजूद चीजें नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए आई थिंक सभी को अफसोस है कि वो समहाउ इट डिडंट वर्क आउट डन गाइस ओके यू नो डू यू रिग्रेट डू यू फील दिस कि ना एज एन एक्ट्रेस आप में बहुत पोटेंशियल जो अभी एक्सप्लोर नहीं करा गया है डू यू एग्री विद दिस आई थिंक we do what we get so jaise scripts milti hain usme se aap select karte hain ki aapko kya acha lagta hai kya aapke liye theek rahega and we do the best we can so yes I'm looking for scripts and agar kuch acha hoga to main karungi and I hope to keep my audiences and fans you know entertained ek near wish thank you guys yeah, sure I would like to wish everybody out there a very very happy new year